जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका आभार है। अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। क्या आपके भी कोई काम नहीं बनते या बनते बनते रह जाते, या बहुत सारी रुकावटें आती हैं? इन समस्याओं में से कोई सी भी समस्या है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें आपको शायद आपकी परेशानियों का हल ज़रूर मिल जाए। पहली बात होती है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसे उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि अच्छे और पक्के काम होने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है और वक्त देना पड़ता है, समय को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो पहली बात है कि लिटिल, छोटी से छोटी इकाई, अर्थात इकाई से मेरा मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी छोटी से छोटी जानकारी पे अच्छे से काम करें। क्योंकि होता यूँ है कि हम काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, जो मेन मेन चीज़ें उन पर ध्यान दे देते हैं, जो छोटी छोटी सी जो हमारी कमियाँ होती हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उस वजह से वो पूरी जो मेहनत थी वो बेकार चली जाती है। अक्सर यही होता है, आपके साथ भी आप एनालिसिस करेंगे तो शायद यही हुआ होगा कि ये गलती। और दूसरी बात की, जो भी हम काम करते हैं उसमें जो सीक्रेट है, जो कुछ गोपनीय बातें, वो अपने तक सीमित रखें, क्योंकि कई बार गोपनीय बातें लीक हो जाने से या किसी भी खास को पता होने जाने से उसका दुरुपयोग होकर तकलीफें हो सकती हैं। तीसरी वाणी होती है, कई बार वाणी से निकले हुए कुछ ऐसी बातें जो एक अच्छे खासे काम को ख़राब कर सकती है। तो हम जब तक काम हमारा नहीं हो तब तक कोशिश करें कि अच्छा ही बोलें, और मैं तो यही राय देता हूँ कि लाइफ टाइम आप अच्छा बोलें। चौथी बात है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके ग्रह कुंडली में वो क्या कहते हैं, वो जिस समय आपने शुरुआत करी वो तब कहाँ है, क्या है स्थिति में, तो उसका भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो बिस मात्र इसके अलावा अतिरिक्त कोई पूजा विधान आपको नहीं बताया जाएगा बड़ा कि आपसे कुछ पैसे ऐंठना है। ये शुल्क इसलिए है कि पहले हम फ्री में कुंडली देखते थे तो बहुत सारे लोग हमें बेफिजूल से बातें होती थी, इस वजह से ये शुल्क हमने रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से नंबर लेके बात कर सकते हैं। खैर, पांचवी बात है कि हम कोई भी काम कंटिन्यू करने के लिए मेहनत तो बहुत बड़ा एक इशू है ही सही, लेकिन उसके साथ एक बहुत बढ़िया आपका जप। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि आप जप कंटिन्यू रखें, ईश्वर का जप आप कंटिन्यू करते रहें। तो जो भी आपके इष्ट हैं, राम हो, हनुमान जी हो, जो भी, उनका जप ओम नमः शिवाय, या कोई नहीं हो तो ओम नमः शिवाय का करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी एक राय ज़रूर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।